नमस्कार, मैं हूं अनूप मिश्रा। एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बरेली की प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं। दरअसल बरेली की फतेहगंज पश्चिमी पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली है। फतेहगंज पश्चिमी पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि डीपीएस स्कूल की बस से इसमें की तस्करी हो रही है, जिसके बाद मुखबिर की सटीक सूचना पर फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने जब बस की तलाशी ली तो उसमें से 70 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसके बाद पुलिस ने पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों बाप बेटे लंबे समय से स्मैक की तस्करी करते थे। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने स्कूल बस को भी अपने कब्जे में ले लिया है। अगली खबर IGRS से जुड़ी हुई है। जी हां, IGRS में बरेली को 66वां स्थान मिलने पर बरेली के DM काफी खफा नजर आए। बरेली के DM शिवाकांत द्विवेदी ने सभी अधिकारियों के साथ में एक आवश्यक मीटिंग ली, जिसके बाद उन सभी को निर्देश दिए कि IGRS की शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो लोग 10 से 12 बजे तक अपने ऑफिस में जरूर बैठे और जन समस्याओं को सुने। इसके साथ ही रात्रि चौपाल लगाकर सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारियां दें। अगली खबर मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना से जुड़ी हुई है। कौशल विकास योजना के तहत बरेली मंडल में लगातार लोगों को रोजगार मिल रहा है। बरेली की कमिश्नर संयुक्ता समददार ने मंडलीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जितने भी ITI पास युवा हैं उन सभी को कौशल विकास योजना के तहत रोजगार दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया है कि कौशल विकास योजना के बारे में अधिक से अधिक युवाओं को जानकारी दी जाए। उन्होंने ये भी बताया कि बरेली मंडल में 3000 से अधिक लोगों को कौशल विकास योजना के तहत रोजगार मिला है। बरेली की खबरों से अपडेट रहने के लिए इसी तरीके से बने रहिए मेरे साथ। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।